नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रेव 3 चौराहा स्थित पालकी पार्टी लॉन में मानवाधिकार मीडिया कानपुर नगर द्वारा इक्षाम पत्रकारों के नाम का 7वां चरण अवार्ड फंक्शन 2024 के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सरस वाजपेयी, महामंत्री शैलेश अवस्थी और विशिष्ट अतिथि पूर्व कानपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष अवनीश दीक्षित के साथ कानपुर प्रेस क्लब के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ समाजसेवी साजिद सर सोसाइटी मोटर्स के MD रहे। कार्यक्रम में आए हुए पत्रकारों को मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज के इस कार्यक्रम में बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड अभिषेक कठेरिया, बेस्ट रिपोर्टर अवार्ड सौरभ कुमार, बेस्ट कवरेज अवार्ड आबिद अली, बेस्ट एंकर अवार्ड इरशाद अहमद, बेस्ट एडिटर अवार्ड मोहम्मद नफीस को मिला। आज के कार्यक्रम में उपस्थित मानवाधिकार मीडिया के पदाधिकारी में अनुराग मदान, खालिद अख्तर, सोनू सिद्दीकी, राजू यादव, डॉक्टर मोबीन अंसारी, मोहम्मद हसन, अवधेश यादव, मोहम्मद तलाह, आलोक गुप्ता आदि वरिष्ठ और कनिष्ठ पत्रकारों का सहयोग और सहभागिता रही। आदरणीय विधायक जी, आज आप मानवाधिकार मीडिया कानपुर में आए हैं, इसमें पत्रकारों का सम्मान हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये मेरा सुखद दिन है। पहली बार हम एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ कहते हैं साँच बराबर तब नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँचे ताके हृदय पाप, ईश्वर अल्लाह एक समान। ये मीडिया जो है वो वही लिखती है जो देखती है। ऐसे एक कार्यक्रम में आकर जो सानू भाई, प्रकाश तिवारी आदि जिन्हें जो किया है, यहाँ मीडिया के लोगों को सम्मानित किया, यहाँ जो समाज सेवी है उनका सम्मानित किया, यहाँ अच्छे बच्चे को सम्मानित किया, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इन्होंने कार्य किया है, मैंने कहा मेरे लिए पहले है कि मीडिया भी लोगों को सम्मान करती है और उनके भी हृदय में दिल है कि अच्छे लोगों का सम्मान हम दें। इसलिए मैं मानवाधिकार मीडिया के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि आपका ये कार्य निस्संदेह बहुत अच्छा है और इस कार्य को बढ़ाते जाएं, क्योंकि आपकी ताकत समाज की ताकत है। आप जो लिखते हैं वो समाज मानता है, और आपको अगर मानता है तो दिखना भी चाहिए। आजकल जो नेता नहीं कर पाते हैं वो मीडिया कर देती है। साजी सर, आज आप इस सम्मान समारोह में आए हैं, कैसा लगा आपको? किस तरीके से आपने यहाँ पर टाइम अपना व्यतीत किया, कैसा? ये मेरी खुशनसीबी है कि हमारे मानवाधिकार मीडिया के संचालक जनाब शानू सिद्दीकी साहब और अभिषेक कठेरिया, इन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया इतने अच्छे प्रोग्राम के अंदर। पत्रकारों का आज सम्मान जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये वो कड़ी है जो समाज को आईना दिखाती है, पारदर्शिता पैदा करती है और जागरूकता पैदा करती है, हक बात को आया करती है, जिसके लिए ये सब जिस परिश्रम के साथ आज ये पूरे संसार के अंदर अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। और ये जो सोशल मीडिया है जिसके जरिए से गांव-गांव, गली-गली इन कार्यकर्ताओं के जरिए से, इन